नमस्ते, मैं हूं पायल रोहतगी। आज एक साल हो जाता है, आज यानी 16 अप्रैल को, जब हमारे दो साधुस को पब्लिकली मॉब लिंचिंग द्वारा एग्जीक्यूट कर दिया गया और उनके ड्राइवर को भी एग्जीक्यूट कर दिया गया। तो आज मैं डेक्कन हेरल्ड से इंफॉर्मेशन पढ़ने वाली हूं अबाउट द अपडेट दैट हैज बीन हैपनिंग ऑन दिस केस। टू साधुस कल्पवृक्ष गिरी महाराज जो 70 इयर्स के थे एंड सुशील गिरी महाराज जो 35 इयर्स के थे और उनके ड्राइवर नीलेश को जो 30 इयर्स के थे ब्रूटली लिंच किया गया टू डेथ ऑन 16 अप्रैल 2020। ये इन्फॉर्मेशन अब आपके साथ शेयर करके आपके साथ ये भी बात बतानी है कि कैसे ये जो साधुस को लिंच किया गया वो हुआ था इन गार्ड चिंचले विलेज इन धनाऊ तहसील ऑफ पालघर डिस्ट्रिक्ट, नियरली 120 किलोमीटर्स फ्रॉम डाउनटाउन मुंबई। ये दोनों साधुस नासिक बेस्ड साधुस थे। दे वर बिलोंगिंग टू द वाराणसी हेडक्वार्टर्ड श्री पंचदशनम जूना अखाड़ा, द बिगेस्ट ऑर्डर ऑफ साधुस इन इंडिया। फ्यू डेज बिफोर द इंसिडेंट रूमर्स थे कि रॉबर्स आए थे विलेज के अंदर to steal kidneys, particularly of children, and sell them in black market. This led to villagers mounting a round-the-clock vigil. The sadhus and their driver were attacked by a group of nearly 500 villagers, suspecting them to be kidnappers. जी हाँ, इस तरह से उनको अटैक किया गया because एक रूमर था गांव के अंदर कि भैया रॉबरर्स घूम रहे हैं जो बच्चों की किडनी चुराते हैं, और इसलिए इन दो साधुस और उनके ड्राइवर को लिंच किया गया, थिंकिंग दैट दे आर दोज रॉबरर्स। Gard Chinchle village comes under Casa police station of Palghar district. Obviously, the Maharashtra Vikas Party came under fierce attack from opposition BJP as well as lot of people like us जो हमारे धर्म के लिए खड़े रहते हैं। Just over 4 months into the office, ये शिव सेना के जो ties थे with BJP, the 3-decade-old ties were broken and उन्होंने ये सरकार बनाई थी after doing coalition with Congress and NCP। तो यहाँ पर politics के अंदर रिश्ते बदलते रहते हैं। बदलते हुए रिश्तों का नाम है राजनीति एंड बदलते हुए रिश्तों का नाम है जिंदगी। सो दैट इज परफेक्टली फाइन, बट मैं आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि सतीश मनशंडे जो रिया चक्रवर्ती के लॉयर हैं, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है इस केस के अंदर। अमृत अधिकार एंड अतुल पाटिल आर रिप्रेजेंटिंग द अक्यूज्ड। सतीश मनशंडे जो रिया चक्रवर्ती के लॉयर है वो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। डू द क्रोनोलॉजी। होम मिनिस्टर उस समय के अनिल देशमुख ने सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस गौरव सिंह को फोर्स्ड लीव पे भेजा था। अवाइल 35 ऑफिसर्स, अदर रैंक्स एंड स्टाफ ऑफ कासा पुलिस स्टेशन वर ट्रांसफर्ड। 3 पुलिसमैन असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर आनंद राव काले वर डिसमिस्ड एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रवि सालुखे एंड कॉन्स्टेबल नरेश धोधी वर कंपल्सरीली रिटायर्ड। As per 2011 census, the village has a population of 1298 residents, of which 93% are from scheduled tribes or Adivasis. The village lies on the border of Maharashtra and shares its border with the union territory of Dadra and Nagar Haveli. The sadhus were on their way to Surat in Gujarat for a funeral of their guru Mahant Shri Ram Giri, where the incident took place past midnight. तो अभी जो केस है, इस केस में 251 people have been arrested and state CID is also looking into the matter. The accused include 13 juveniles. More than 70 of the accused are still in custody. 3 charge sheets have been filed and the case and the trial have started. तो ये information आज मैं आपके साथ share कर रही हूँ because हम सबको समझना चाहिए कि भारत जैसे देश के अंदर साधुओं के अटायर के ऊपर मजाक उड़ाया जाता है by सिमी ग्रेवाल जैसे सो कॉल्ड सीनियर वेटरन फेमिनिस्ट एक्ट्रेस, और दूसरी ओर हम देखते हैं कि साधुओं की मॉब लिंचिंग होती है इन फुल पब्लिक व्यू, रिकॉर्डेड ऑन कैमरा, और उसके ऊपर 1 साल हो चुका है और अभी तक उनको न्याय नहीं मिला है। ये देखकर मैं फिर से अपनी मांग रखूंगी फॉर अ हिंदू राष्ट्र, क्योंकि किसी को भी हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं का ना मजाक करने का राइट होना चाहिए इस प्रकार से, जब वो दूसरे धर्म के लोगों के ऊपर एक शब्द नहीं बोलते। अगर आप दूसरे धर्म के अंदर प्रथा के ऊपर शब्द बोले देन आई एम रेडी to listen to your point of view. But when you close your eyes to the, you know, bad practices in other religion and just go on condemning Sanatan Dharma and obviously never raise your voice against something which is like mob lynching, which has happened in full public view, then I think I need to call out the hypocrisy of such senior actors also, चाहे वो सिमी ग्रेवाल ही क्यों ना हो. ये कह के लेट्स होप जस्टिस इज डिलीवर्ड टू द साधुज हु लॉस्ट देयर लाइव्स 1 year back in Palghar mob lynching. Namaste, Jai Hind.